हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज फिर से और एक टेक्निकल टॉपिक लेके हम लोग बातें करेंगे, वो है इंडक्शन। इंडक्शन कुकटॉप पे प्रेशर कुकर यूज़ करने में बहुत जनों को दिक्कत होती है। कौन सा टेम्परेचर में करना है, कौन सा वाट में करना है, ये सब। तो इसीलिए आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ ताकि इंडक्शन में प्रेशर कुकर यूज़ करने का सही तरीका। तो इसीलिए क्या लगेगा, एक इंडक्शन लगेगा। ये मेरा 2000 वाट का इंडक्शन है एंड एक प्रेशर कुकर। एंड इंडक्शन में जो प्रेशर कुकर चलेगा वो है आइदर प्योर स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील है, प्योर स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। नहीं तो और ऐसा प्रेशर कुकर जिसके तला में ये इंडक्शन प्लेट लगा हुआ है। ये एल्युमिनियम प्रेशर कुकर है पर इसके तला में इंडक्शन प्लेट लगा हुआ है। तो मैं दो तरीके का प्रेशर कुकर में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को कैसे आप लोग ये प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग दिखाते हैं ये स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी भर के प्रेशर कुकर को लॉक कर देते हैं। ये स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर है। अभी क्या करते हैं, इंडक्शन का स्विच ऑन कर देते हैं। तो देखिए इंडक्शन का स्विच ऑन है। तो अभी क्या करते हैं, ऑन करते हैं। बस देखिए ये इंडक्शन ऑन हो गया है। तो ऑन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फंक्शन बस फंक्शन दे देंगे। तो अभी इंडक्शन ना स्टार्ट हो गया है। ऑन किया, फंक्शन ऑन किया, बस इंडक्शन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए 1400 वाट पर है। तो ये स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर है ना, तो स्टेनलेस स्टील में इंडक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो 1499 वाट बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए देखिए इधर इंडक्शन पे प्रेशर कुकर का एक सेटिंग दिया हुआ है। तो यू जस्ट पुट प्रेशर कुकर ऐसे, कैसे आपको देना है मैं देखा देता हूँ। ऐसे इसको फंक्शन को चेंज कीजिए। देखिए वाटर से डीप फ्राई से डोसा चापाटी, उसके बाद मिल्क, कड़ी, सूप। ये देखिए अभी प्रेशर कुकर में हो गया है। तो ये 1000 पे है। तो ये स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर है। तो स्टेनलेस स्टील इंडक्शन में बहुत बढ़िया काम करता है। तो प्रेशर कुकर सेटिंग में जब आप लोग जाएंगे तो 1000 वाट, तो 1000 वाट पे रखिए। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा जल्दी में है आप, तो तब आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसे, तो मैं कम करके प्रेशर कुकर में 1000 में ही रखता हूँ। तो ऐसे चलने दीजिए। और इधर टाइमर भी सेट करके देता हूँ, तो ताकि आप लोगों को पता चले कितना टाइम। तो मैं देखिए टाइमर मैंने सेट करके रखा, बस तो पता चल जाएगा कितना टाइम पे ये हुसल दिया है। तो ठीक है, इसको हुसल आने दीजिए। तो देखिए इंडक्शन में 2 से 3 मिनट में ही हुसल आ गया। जब ये 2 हुसल आ गया ना, तब क्या करना है आपको, इसका वाटेज जो है 1000 वाट पे आया था, तो 1000 से कम के आप लोगों को इसको, देखिए मैंने 200 पे ला दिया। सो 200 पे अगर कम होता है तो आप थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग ये इसको 400 भी कर सकते हैं। तो देखिए 400 पे भी ये हुसल दे रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप जैसे प्रेशर कुकर जैसा साइज, अगर बड़ा साइज है तो उसमें 400 लगेगा, तो ये छोटा साइज है तो 400 पे देखिए। तो इसीलिए मैं ये 400 से 200 कर रहा हूँ। देखिए 200 हो गया। तो 200 में शायद हुसल थोड़ा सा देर में आएगी, क्योंकि 1000 में ऑलरेडी आ चुका है आपका हुसल, 200 में भी आ रहा है। सो इससे कम होगा या नहीं मुझे पता नहीं, 200 से कम नहीं होती है। सो ठीक है, तो 200 में ही रहने दीजिए। टू हंड्रेड पे चल रहा है ये, तो 200 सही है इसके लिए। तो
जब कुकिंग हो जाएगा तो सपोज मेरा कुकिंग हो गया तो देखिए मैं बोल रहा हूँ 1000 हुआ है पूरा हाई आंच पे, 800 400 हुआ है मीडियम लो टू मीडियम एंड 200 है पूरा लो आंच पे। तो अगर आपका काम हो गया है देन जस्ट स्विच इट ऑफ, बस इसका स्विच ऑफ हो गया है तो ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी आपका कुकिंग हो गया है तो अब मैं दिखाऊंगा जब आप लोग ये करेंगे एल्युमिनियम प्रेशर कुकर विद इंडक्शन बेस। ये तो स्टील प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, एल्युमिनियम में कैसे होगा? देखिए एल्युमिनियम प्रेशर कुकर में भी फिर से पानी देके मैंने चला दिया इंडक्शन पे, तो फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ, बस ऑन किया, फंक्शन ऑन किया। तो अभी फंक्शन को चेंज करके करके मैं प्रेशर कुकर पे ला दूंगा। देखिए प्रेशर कुकर में मैंने लाया। तो मैं और एक बोल देता हूँ, अगर आपके इंडक्शन में प्रेशर कुकर वाली ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1000 वाट से 1200 वाट में ही रखिएगा प्रेशर कुकर जब आप लोग कुकिंग करेंगे, इससे ज़्यादा वाटेज ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग सेट कर सकते हैं, पर 1000 टू 1200 ये वाटेज में प्रेशर कुकर को सेटिंग रखिए एंड एक या दो व्हिसल आने के बाद 400 से थोड़ा सा कम, एक ये सेटिंग इंडक्शन टू इंडक्शन कंपनी वैरी करता है। जैसे ये इनल्सा की कंपनी है तो इसमें आपका सेटिंग है 1000 से 800, 800 के बाद 400, 400 के बाद 200। तो कोई कोई कंपनी में है 1000, 800, 600, 300, 100, तो ऐसे आता है। तो आप लोग वो देख के करिएगा। जैसे मेरा इधर 1000 है तो मैं एक उसे लाने के बाद देखिए इसमें प्रेशर आ गया है, तो एक व्हिसल आने के बाद मैं क्या करूँगा 400 में लाऊंगा। अगर 400 में पूरा घना घना व्हिसल दे रहा है तो मैं 200 कर दूंगा। तो अभी देखिए इसको व्हिसल आने दीजिए। तो देखिए 1000 में आ रहा है, एक व्हिसल आया तो मैं दो व्हिसल देके कम करूँगा, तो 1000 में एक व्हिसल आ गया। और भी एक व्हिसल आने दीजिए। ये एल्युमिनियम इंडक्शन बेस्ड प्रेशर कुकर है, बस। तो अभी मैं क्या करूंगा इसको कम कर दूंगा 800 400। देखिए 400 में भी मेरा व्हिसल दे रहा है, ये वॉच के साथ टाइमिंग हो रहा है। तो 31 मिनट का मैंने दिया था तो देखिए एक दो मिनट के अंदर ही आ गया व्हिसल। तो 400 में देखिए 400 में बहुत फ्रिक्वेंट व्हिसल दे रहा है, तो इसीलिए मैं और भी कम कर रहा हूँ, तो 200 कर रहा हूँ। देखिए ये 200 हो गया है, तो 200 में देखते हैं। तो 200 में देखिए प्रेशर कुकर जिजलिंग कर रही है, आपको आवाज सुनाई दे रहा है। देखिए जिजलिंग कर रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रहा है। एंड देखिए जस्ट 2 मिनट्स हुआ है, मैं 31 से स्टार्ट किया था, 29 है। ये देखिए व्हिसल डांस कर रही है एंड जिजलिंग कर रही है। तो बस ये आपका सही सेटिंग है, देखिए ये आपका सही सेटिंग है गैस कम करने का। देखिए उसे जिजलिंग कर रही है, तो ये सही सेटिंग है। तो ये छोटा कुकर है, तो अगर ये कुकर अगर बड़ा हो तो तब क्या करेंगे, अगर 5 लीटर की कुकर हो तब आप लोगों को 200 में नहीं होगा, 400 में होगा। तो वही थोड़ा सा आप लोगों को स्टैंडर्डाइज करना है। मैं ये वो भी स्टेनलेस स्टील कुकर 1.5 लीटर की थी, ये भी 1.5 लीटर की है एल्युमिनियम इंडक्शन बेस। तो अगर 3 लीटर या 5 लीटर का कुकर हो तो आप लोग 1000 या 1300 में स्टार्ट कीजिएगा। देखिए हुई से ला गया, तो 1000 या 1300 में स्टार्ट कीजिएगा। अगर छोटा कुकर हो तो 1000 एंड अगर बड़ा कुकर हो 3 लीटर या 3 लीटर से बड़ा कुकर है तो 1300, हाँ 1300 या 1400। एंड नहीं तो अगर 3 लीटर से छोटा कुकर हो तो 1000 वाट में भी शुरू कीजिएगा। एक दो व्हिसल आने के बाद
कम करके 400 टू 200। अगर बड़ा कुकर है 3 to 5 liters और बड़ा तो 400, अगर छोटा कुकर है तो 200, बस ऐसा ही है। तो बस ये कुकिंग कंप्लीट हो गया है, तो मैं बस बंद कर रहा हूँ, तो ये क्लोज है। तो बस ऐसे फॉलो कीजिएगा, आपका कुकिंग हो जाएगा। और स्टैंडर्डाइजेशन तो ज़रूरी है, तो इंडक्शन में कुकिंग भी जल्दी होता है एंड गैस का भी सेव होता है एंड कम इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो ऐसा नहीं है इंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगता है, क्योंकि कुकिंग जल्दी होता है तो कम इलेक्ट्रिसिटी में काम चल जाता है। तो होप ये आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट कोई एक वीडियो लगे हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाई।